नाइस लाइफ ट्रैवल, ये नायतुल्ला भाई का चैनल है और ये मेरे पास आज से 3 साल पहले आए थे मेरी ओल्ड शॉप में। उस टाइम हमने भी यूट्यूब स्टार्ट भी नहीं था किया हुआ। 20 से 22.9 मिलियन आज हो गए हैं। 14 है। ओके। अच्छा। नायतुल्ला भाई का भी चैनल सब्सक्राइब करें क्योंकि ये भी बड़ी मेहनत कर रहे हैं यूट्यूब पे। अपना टाइम वेस्ट नहीं करें, आप बिजनेस करें और अच्छे अच्छे कंटेंट बनाएं, बुरे कामों से बचें। थैंक यू। इनायत का नाम कोई लेके आता है, कुछ डिस्काउंट मिलेगा? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं इस वक्त दुबई मोबाइल मार्केट मीना बाज़ार दुबई में जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स में हूँ। आज आपके साथ जो यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट्स हैं जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स है वो आपके साथ शेयर करेंगे। अब्दुल गफूर भाई जो बड़े भाई हैं उनका इंटरव्यू भी आपके साथ शेयर करेंगे, जिनमें बहुत सारे वो टिप्स बता रहे हैं कि किस तरह से आप ग्रो कर सकते हैं अगर आप टिकटॉकर है, यूट्यूबर है या आपका बिजनेस है। क्योंकि जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स और छोटे भाई बड़े भाई और उनकी जो पूरी टीम है, ख़ासकर इनके जो बड़े भाई हैं अब्दुल गफूर भाई और उनसे जो छोटे भाई हैं, वो बहुत मेहनत करने के बाद इस स्टेज पर पहुँचे हैं। अभी माशाल्लाह जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा था उस वक्त उनके 22.9 मिलियन सब्सक्राइबर थे, अभी 23 point something मिलियन सब्सक्राइबर है। बहुत खुशी होती है इस तरह ग्रोथ देख के, मेहनत की ग्रोथ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि बहुत यूज़लेस टाइप के उनके कंटेंट होते हैं, यूज़लेस टाइप के, यानी ऐसा कंटेंट जिसको देख के आपका टाइम वेस्ट होता है, आपको कोई फ़ायदा नहीं होता। या तो आप ऐसा कंटेंट हमेशा बनाएं जिसमें या तो आपका फ़ायदा हो या देखने वाले का फ़ायदा हो या दोनों का फ़ायदा हो, यानी यूज़लेस कंटेंट नहीं बनाना चाहिए। जो कि अनफॉर्चुनेटली इस वक्त मार्केट में जो मेजॉरिटी जो इन्फ्लुएंसर्स हैं कंटेंट उनका अगर आप देखेंगे तो मतलब क्वालिटी कंटेंट नहीं होता, यूज़लेस कंटेंट होता है। बहुत सारे कंटेंट तो आप फैमिली के साथ बैठ के देख भी नहीं सकते। तो आप अगर कंटेंट क्रिएटर हैं या आप बिजनेसमैन हैं तो आप बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिनमें जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स आपके सामने है, जिनकी पहली वीडियो मैंने बनाई थी जो कि चैनल पर अवेलेबल हैं, जो पहली शॉप की जो छोटी शॉप की थी उस वक्त मैंने उनका यूट्यूब चैनल जो है वो बिल्कुल इनिशियल फेज़ में था। अभी माशाल्लाह इन्होंने इतनी ग्रोथ की है। तो अभी सुनते हैं अब्दुल गफूर भाई को बाद में बात करें। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो माशाल्लाह जी नाइस लाइफ ट्रैवल, ये नायतुल्ला भाई का चैनल है और ये मेरे पास आज से 3 साल पहले आए थे मेरी ओल्ड शॉप में। उस टाइम हमने भी यूट्यूब स्टार्ट भी नहीं था किया हुआ। तो अभी माशाल्लाह थोड़े दिन पहले मेरे पास आए थे, उस टाइम हमारे 10 मिलियन हुए थे 3 महीने पहले, और अभी 3 मंथ बाद आए हैं और अभी माशाल्लाह 20 से 22.9 मिलियन आज हो गए हैं। तो ये इंडिया वाले भाई प्यार दे रहे हैं, तो आप यार ये अनायतुल्ला भाई का भी चैनल सब्सक्राइब करें क्योंकि ये भी बड़ी मेहनत कर रहे हैं यूट्यूब पे। हम भी मेहनत कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, लेकिन हमें तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यार दे रहे हैं लोग, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, इनको भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। गफूर भाई आप माशाल्लाह, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद मैं पेश करता हूँ आपकी इस जो कंटिन्यूस मेहनत है और आपकी पूरी टीम की। खासकर मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आपके जो बड़े भाई हैं फारूक भाई और जो आपके वो जो बैकग्राउंड हीरो है, आप फ्रंट के हीरो हैं। तो अगर जिस तरह से आजकल के जो यूट्यूबर्स हैं या जो भी आप के बिजनेस रिलेटेड जो लोग हैं, उनको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे कि जिस तरह से माशाल्लाह आपने ग्रो किया है, कि इस तरह से वो किस तरह से ग्रो कर सकते हैं, आप कुछ टिप्स देना चाहें? बिल्कुल, अभी तो माशाल्लाह बहुत ज्यादा लोग जो कर भी रहे हैं पाकिस्तान में, इंडिया में, जो हमें देख के कर रहे हैं, हमें खुशी होती है यार, हमें देख के लोग अच्छा काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। पहले क्या होता था, टिकटॉक यूट्यूब पे सिर्फ डांस होते थे, नाच गाना होता था, टाइम वेस्ट होता था। अभी माशाल्लाह सब लोग यूएई, बांग्लादेश, आजकल जो है हमें खुशी हो रही है कि हमें देख के
पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, नेपाल में, यूएई में और यूके, यूएसए, हर जगह वीडियो जा रही है, लेकिन इन जो तीन चार जो कंट्री हैं इनमें सब लोग अभी बिजनेस कर रहे हैं, तो खुशी हो रही है भाई, सब करें, अच्छी बात है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करें, आप बिजनेस करें और अच्छे अच्छे कंटेंट बनाएं, बुरे कामों से बचें। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, जिस तरह से अपने गफूर भाई को सुना, इनके जो पॉइंट्स है उस पर बात करेंगे, अभी सुनते हैं वकास भाई को जो कि हमें अपडेट्स दे रहे हैं इस वक्त, जो उनके पास अवेलेबल फ़ोन्स है, आईफोन्स है, आईफोन के मुख्तलिफ जो मॉडल्स हैं, आईफोन 7 से लेकर आईफोन 14 सीरीज तक अवेलेबल है, नए और यूज्ड में, नए में आईफोन 14 सीरीज़ में अवेलेबल है। इस तरह से सैमसंग के न्यू और यूज्ड जो फ़ोन्स है वो अवेलेबल हैं, जो न्यू सीरीज़ है Z Fold 5, Z Flip 5, इसी तरह से S23 अल्ट्रा, S23, S23 Plus अवेलेबल है। तो वो डिटेल्स बता रहे हैं वकास भाई को, तो अभी सुनते हैं वकास भाई को, उसके बाद आपसे बात करते हैं अब्दुल गफूर भाई के इंटरव्यू के हवाले से। तो सुनते हैं वकास भाई को। अस्सलाम वालेकुम। वकास भाई, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से हैं? वकास भाई, आपके पास इस वक्त जो फ़ोन्स अवेलेबल, आईफोन और सैमसंग फ़ोन्स, उनके क्या कौन कौन से मॉडल्स अवेलेबल है? हमारे पास आईफोन 7 से लेके 14 तक सारे मॉडल्स अवेलेबल हैं माशाल्लाह। अच्छा, सैमसंग में हमारे पास S20 प्लस, S21, S22 सारे अवेलेबल हैं। अच्छा अच्छा, सही है। और न्यू में आपके पास कौन से आईफोन और सैमसंग के कौन कौन से न्यू में अवेलेबल है? न्यू में सर आपको मिल जाएगा आईफोन 14 है, ओके, 14 प्रो मैक्स, अच्छा 13 मिल जाएगा, उसके बाद S23 अल्ट्रा, S22 अल्ट्रा, लेटेस्ट मॉडल जो है ना सैमसंग के, वो नए मिल जाएंगे। इस वक्त जो Z Flip 5, Z Fold 5, वो भी अवेलेबल है? जी, वो भी मिलेंगे। अच्छा, और डिलीवरी आपकी लोकल डिलीवरी है या इंटरनेशनल डिलीवरी? दुबई में लोकल डिलीवरी है, क्योंकि बहुत सारे दोस्त जो है वो इंटरनेशनल डिलीवरी की डिमांड करते हैं, तो वो नहीं आपकी? सही है भाई। आईफोन के जो एप्पल के बाकी प्रोडक्ट्स हैं वो भी आप बता दें आपके पास? हमारे पास एप्पल की वॉच भी मिल जाती है। अच्छा, कौन सी सीरीज अवेलेबल है आपके पास एप्पल वॉच में? कौन कौन से मॉडल्स आपके पास अवेलेबल हैं? यूज्ड में कौन से अवेलेबल है? अच्छा अच्छा, ठीक है। तो कुछ अगर इनायत का नाम कोई लेके आता है, कुछ डिस्काउंट मिलेगा? बहुत शुक्रिया वकास भाई, अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, जिस तरह से आपको वकास भाई ने अपडेट किया कि यहाँ पे आपको आईफोन 14 सीरीज़ अवेलेबल है, 7 से 14 सीरीज़ तक के जितने भी आईफोन के मॉडल्स अवेलेबल हैं, इस तरह से आईपैड्स अवेलेबल हैं, जो नए मॉडल हैं, पुराने मॉडल हैं, सब आपको मिल जाएंगे। इसी तरह से एप्पल वॉचेस और सैमसंग के जो यूज्ड मॉडल्स हैं, नए मॉडल्स हैं, नए जो S23 सीरीज़ है, S23 अल्ट्रा, S23 प्लस, S23, और जो इस वक्त सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 5 और गैलेक्सी Z Flip 5 जो नए मोबाइल हैं वो भी अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे जितने भी फ़ोन्स की वैरायटीज़ है आपको मिलेगी, ख़ासकर सैमसंग और आईफोन के जो फ़ोन्स हैं, बाकी जो डिटेल्स है वो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है आप कांटेक्ट करके उनसे पूछ सकते हैं। और इसके अलावा डिलीवरी के बारे में, डिलीवरी जो है इनकी इंटरनेशनल डिलीवरी फ़िलहाल नहीं है, सिर्फ लोकल डिलीवरी है, क्योंकि बहुत सारे जो दोस्त मैसेजेस करते हैं इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और बाकी जो कंट्रीज़ है, कि उनको जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स से फ़ोन चाहिए इंटरनेशनल डिलीवरी, तो वो फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है। अगर वो अवेलेबल होगी फ्यूचर में तो आप उनसे कांटेक्ट करें, जो नंबर हैं वो आपको अपडेट करेंगे। और अभी तक जो फ्रॉड के केसेस हैं वो अभी तक चल रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं कि बहुत सारे लोगों के साथ अभी तक फ्रॉड हो रहा है। तो भाई, बहुत सारे वीडियोस हमने बनाई है जिनमें छोटे भाई बड़े भाई ने आपको क्लियरली बता दिया है कि किस तरह से अपने फ्रॉड से बचना है। अभी तो मेरे ख्याल से अगर आप फ्रॉड में अभी भी फंसेंगे तो उसमें आपकी गलती होगी। तो दोस्तों, जिस तरह से अपने अब्दुल गफूर भाई को सुना, उनकी जो बातें थी मोटिवेशनल बातें, आप भी उनको फॉलो करके अपनी लाइफ में और अपने बिजनेस में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। इंसान को हमेशा सीखना चाहिए, जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनसे सीखना चाहिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, चैनल पे अपने हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और सोशल मीडिया पे जो हमारे बाकी पेजेस और चैनल्स हैं उनको भी सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें,
और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपका पसंदीदा फ़ोन कौन सा है और कलर कौन सा है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना, अपने चैनल का और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।